जो अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों को आगे रखकर इनक्रोचमेंट किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम किया है, इस अतिक्रमण को कौन वैध ठहरा सकता है? बताइए आप लोग, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वही काम किया है हमने, अतिक्रमण लगातार हम हटा रहे हैं, क्योंकि देवभूमि का एक मूल स्वरूप है। उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति पूरे देश दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, और अगर वो कहे कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो उसको देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि लोगों की बदल जाती है। एक मन में श्रद्धा का भाव आता है, एक विश्वास का भाव आता है कि देवों के बहुत नजदीक से आया हुआ व्यक्ति है, देवभूमि से आया हुआ है। तो वो देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए, वो हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो किसी भी कीमत पर उसको हम जो है खराब नहीं होने देंगे। यहाँ पर मजारे बना रखी हैं, मजारों को जब हटाया गया, वन भूमि पर है, रेवेन्यू की भूमि पर है, सिंचाई विभाग की जमीन पर है, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, अन्य जमीनों पर जो सरकारी भूमि है, उसके नीचे जब खोदा गया तो कोई भी अवशेष नहीं मिले, मजारे कहाँ बनती हैं? तो ये था छदम, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी।